चलें, हमको क्या पढ़ना था? डिटेल्ड डिस्कशन करना था ना। मैंने आपको बता दिया था AS9 क्या बताता है, सबको समझ में आ गया था? मैंने आपको बताया था AS9 क्या क्या बताता है, तो क्या वो बातें समझ में आ गई थी? क्या क्या बताया था AS9 के लिए, बोलो क्या 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 बोलो। हाँ, क्या बताया था? मैंने बोला था AS9 कोई प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स नहीं देता, ये क्या बताता है? टाइम, कि किस टाइम पर रिवेन्यू क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और वो रिवेन्यू का मीनिंग मैंने लिखवाया था ग्रॉस इनफ्लो वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम या तो सेल्स ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड और हाँ रॉयल्टी। समझ में आ गया था? गुड। चलो तो अब इनका डिटेल डिस्कशन कर लिया जाए। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालें बेटा आप रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स पैरा 6। सेल्स ऑफ गुड्स, पहले मैं आपको समझा दूं क्या है तो आपको बात समझ में आएगी। ध्यान रखना बेटा, आपके ऑडिट, जो लोग ऑडिट अच्छे से करते हैं उनके लिए AS बहुत अच्छा काम का है, जो लोग ऑडिट में मक्कारी करते हैं उनके लिए कोई काम का नहीं है। ऑडिट करने वगैरह कभी गए हो क्या? सेकंड ग्रुप वाले कोई ऐसा है, कॉमर्स वॉमर्स से आया हो, डायरेक्ट BCom से आया हो, है कोई ऐसा? नहीं है, कोई बात नहीं। चलो तो जब जाओगे ऑडिट करने तभी AS लगेगा, काम आएगा, है ना? वहां आपका प्रिंसिपल CA बोलेगा कि जाओ ऑडिट करके आओ, तो तुम किसी का मुंह मत देखना कि ऑडिट कैसे होता है, मैं बता रहा हूं ऑडिट कैसे करना है जाके। समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा Y1 है और ये मेरा Y2 है, 2 साल है Y1 और Y2। क्या हुआ कि 28 मार्च को मेरे पास इस Y1 में 28 मार्च को मेरे पास एक ऑर्डर आया 5000 गुड सप्लाई करने का। यहाँ एक ऑर्डर रिसीव हुआ मेरे को, क्या रिसीव हुआ फटाफट बोलो, ऑर्डर कि भाई मेरे को 5000 गुड्स खरीदना है, आप सप्लाई कर दोगे क्या? मैंने बोल दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, सप्लाई करेंगे, इसी के लिए तो बैठे हैं, दुकान इसलिए तो खोल रखी है। समझ में आ रहा कि नहीं? देख लिया थोड़े ना खोली है, मैंने बोल दिया उसको ठीक है हम ऑर्डर सप्लाई कर देंगे। इस दिन मैंने उसको हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है। फिर 30 तारीख तक बेटा गुड्स मैनुफैक्चर्ड हो गया, 30 तारीख को तक गुड्स क्या हो गया, मैनुफैक्चर हो गया, 30 मार्च तक गुड्स बन के तैयार हो गया। फिर बेटा मैंने 31 मार्च को बिल भी बना दिया, बिलिंग बना दी, कौन सी तारीख को फटाफट बोलो, 31 मार्च को बिल बना दिया, इनवाइस बना दिया। फिर मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को ये गुड्स ट्रांसपोर्ट में रख दिया, ट्रांसपोर्टेशन में रख दिया। क्या ये बात समझ में? अब जब ट्रांसपोर्ट कर दिया मतलब गुड्स भेज दिया डिलीवरी के लिए, ट्रांसफर कर दिया, 4 अप्रैल को ये गुड्स कस्टमर को डिलीवर्ड भी हो गया, मतलब डिलीवरी रिसीव्ड हो गई उसको, हमने डिलीवरी जो भेजा था उसको डिलीवरी रिसीव हो गई 4 अप्रैल को, क्लियर है कि नहीं? फिर 8 अप्रैल को उसने इसका पैसा भी दे दिया, कैश रिसीव्ड हो गई हमको। प्रोसीजर सबसे पहले क्या आया था फटाफट बोलो, ऑर्डर। फिर मैंने क्या बनाया,
गुड्स बनाया, फिर बिल बनाया, बिल बना के मैंने डिलीवरी दी, डिलीवरी देने के बाद फिर मेरे को पैसा मिल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूँ, कौन सी तारीख को मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूं? 28 तारीख को, 30 मार्च को, 31 को, 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को कि 8 अप्रैल को? बोलो कौन सी तारीख को मैं सेल्स रिकॉग्नाइज करूं, Y1 में या Y2 में? बात समझ में आ गई, Y1 या Y2? प्रोसीजर चालू हो गई थी Y1 से, इस साल से सेकेंड ईयर तक पैसा मिलता रहा। बताओ कौन से ईयर में सेल्स बुक करना चाहिए, Y1 या Y2? हाँ ये तुम थोड़ी ना बताओगे Y2 में, ये बताता है AS9, यही पढ़ने हम बैठे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ, AS9 जब मैं पढ़ा दूंगा तब इसका आंसर आप प्रॉपरली दे पाओगे कि Y1 में आएगा कि Y2 में आएगा। अभी तो क्या है, आप चिल्ला रहे हो Y1, कोई बोल रहा Y2, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, चल रहे Y2 चिल्ला रहा। Y1 में भी हो सकता और Y2 में भी हो सकता, कब Y1 में होगा कब Y2 में होगा वो चीज हमको यहाँ देखना है। क्या ये बात समझ में, हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्लियर है कि नहीं? तो डिसीजन AS9 लेगा, आप नहीं लोगे। सर हमको क्या करना पड़ता, जब आप ऑडिट पर जाते हो तो वहां के अकाउंटेंट ने सेल्स रिकॉर्ड की हुई होती है। आपका धर्म कर्म ये बनता है कि वो सेल्स जो उसने रिकॉर्ड की है वो सही डेट पे लिखी है या नहीं, वो किसी डिफरेंट डेट पर तो नहीं लिखना थी, मतलब उसने डेट या टाइम जो है वो सही तरह से रिकॉर्ड करने का सही टाइम था या गलत टाइम था, इसलिए भेजते हैं कि जाओ ऑडिट करके आओ, देख के आओ। तो बच्चे क्या करते हैं बताए, ऑडिट करने जाते हैं। हाँ इंदौर में ऐसा होता है ना, इंदौर की बात कर रहा हूँ, मुंबई वगैरह में नहीं होता ऐसा। इंदौर में जाते हैं ऑडिट करने, पूछते ऑडिट कैसे करना, बोले टिक लगाना है वाउचर में, टिक लगा देना। जाते हैं दिन भर टिक लगाते हैं, नाश्ता करते घर आ जाते हैं, हो गया ऑडिट, और चेक थोड़ी ना करते। बोले टिक लगाने किसने, बोले हमारे सीनियर ने। सीनियर से पूछो तुमको किसने बताया, बोलते हमारे सीनियर ने, हमारे यहाँ ऐसे ही ऑडिट होते हैं, वो रोज का काम रहता है। जा रहा है टिक लगाना है तो स्टार्टिंग में तो बड़े शिद्दत से टिक लगाते एक एक पर, फिर तो जहाँ आदत खराब हो जाती है, बोले टिक ही तो लगाना है, तो चार चार पाँच पाँच छोड़ छोड़ के भी टिक लगा देते, बोले हो गई ऑडिट हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं, जबकि वो ऑडिट में चेक करना पड़ता है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कि जहाँ मुंबई वगैरह जाओगे आप ऑडिट करने, तो मुंबई वगैरह की जो फॉर्म्स हैं वो बताती हैं कि ऑडिट में आपको क्या चेक करना, आपको चेक करना जाके रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो वहाँ पर हमको देखना पड़ते हैं, सेल बिल देखना पड़ता है, डिलीवरी चालान देखना पड़ता है, फिर जो भी बाद में आया हो जैसा हुआ हो टर्म्स एंड कंडीशंस देखना पड़ती हैं कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पर गुड्स खरीदा गया था, कब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई थी, कब रिस्क ट्रांसफ़र हुई थी, वो सब देखने के बाद फिर एक टाइम डिसाइड करना पड़ता। फिर हम देखते हैं कि बुक्स में अकाउंटेंट ने कौन से रेट पर एंट्री डाली, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं डाली तो हम फिर उससे वापस रिकॉग्नाइज करवाते हैं, बोलते हैं कैंसिल करके उससे बोलते हैं चल वापस से सही कर। क्या ये बात समझ में, दैट इज ऑडिट, ये ऑडिट होता है ना, कि हमने इंदौर जैसा कि बस टिक लगाया बोले सब सही है। समझ में आ कि नहीं, तो वो एक गड़बड़ मामला है। समझ में आएगी, वो ट्रेंड है हमारे इंदौर का कि मतलब ऑडिट मतलब यही होता है कि बस टिक लगा के आ जाओ बस हो गया। समझ में आ कि नहीं, तो वो गलत तरीका है ना, उसमें कोई ऑनर कुछ बोलता है ना CA कुछ बोलता है, तो आर्टिकल के मजे रहते हैं, और ठीक है हम सीख रहे हैं। लोगों को यही लगता है कि आर्टिकल सिर्फ इंदौर से कर लो तो बढ़िया है, तो ऐसा अच्छा नहीं होता बेटा। आप जितनी अच्छी फॉर्म से करोगे उतना अच्छा ऑडिट सीखोगे, और ये ऑडिट आपको फ्यूचर में काम आते हैं कंपनी के अंदर, यहाँ तो ठीक है। समझ में आए कि नहीं, चलें। तो AS9 विद, मैंने आपसे पहले बोला था क्या बताता है, टाइम, किस टाइम पर रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी इसका आंसर मैं आपको कुछ कंडीशंस पढ़ाने के बाद दूंगा, क्लियर है कि नहीं। तो लिखें बेटा, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, सबसे पहले लिखें, इफ एनी इंटरप्राइजेस वांट, हेडिंग डाल ली थी आपने, हाँ सेल्स अब रेवेन्यू डाल दिया, बोलो रेवेन्यू फ्रॉम सेल डाला, हेडिंग डाल दी थी, मैंने बोला था ना सेल्स अब गुड्स डाल दो। चलो लिखो, इफ एनी इंटरप्राइजेस वांट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, want to recognize revenue from sales, then the following condition
शुड बी सेटिस्फाइड। मैंने आपसे बोला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी माध्यम वाले लिख लेना है ना, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू को बुक करना चाहता है तो उसे नीचे लिखी कंडीशन क्या करना पड़ेगी, फुलफिल करना पड़ेगी, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक नहीं, सारी की सारी, ऑल द कंडीशन, सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही होंगी तो रेवेन्यू बुक करेंगे, नहीं तो रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। लिखें कंडीशन नंबर फर्स्ट, लिखें कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट लिखें, हेडिंग डालें कंडीशन फर्स्ट, उसमें लिखें द ओनरशिप ऑफ गुड्स, द ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसफर, द ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर। इट कैन ऑल्सो बी सेड, इट कैन ऑल्सो बी सेड, इट कैन ऑल्सो बी सेड, लिख लिया बोलो, दैट ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप, टू ऑनरशिप, टू ऑनरशिप शुड बी ट्रांसफर टू बायर, शुड बी ट्रांसफर टू बायर। ये क्या हो गई कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट लिख ली बोलो, अरे हाँ है ना। अब लिखो कंडीशन टू, पहले मैं लिखवा दूं फिर समझा रहा हूं। कंडीशन नंबर टू लिखें द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन गुड्स, द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन गुड्स शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू बायर, बाय सेलर टू बायर, बाय सेलर टू बायर। इट मीन्स, इट मीन्स दैट गुड्स शुड बी, दैट गुड्स शुड बी अंडर द पोजीशन ऑफ बायर, अंडर द पोजीशन ऑफ बायर। इट मीन्स दैट द गुड्स शुड बी अंडर द पोजीशन ऑफ बायर एंड, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ओनली इफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड। कितनी कंडीशंस हो गई बेटा, दूसरी, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें कंडीशन नंबर थ्री, कंडीशन नंबर थ्री, कंडीशन नंबर थ्री। पहली कंडीशन क्या बोली मैंने आपको, समझ में आया? फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको लिखवाया है कि देखो क्या होना चाहिए, ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बोली है कि भाई डिलीवरी हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिलीवरी हो जाना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। अब लास्ट कंडीशन बताओ बेटा, अभी मैंने किसकी बात नहीं की है, अभी मैंने पेमेंट रिसीव करने वाली बात नहीं बोली कि भाई पेमेंट, इवेंट भी रिसीव होना चाहिए, क्या पेमेंट रिसीव होना जरूरी है बोलो, तो क्या पेमेंट रिसीव होना जरूरी है, नहीं है, लिखो आगे लिखो। कंडीशन नंबर थ्री, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिपोर्टिंग, सॉरी देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग, रिपोर्टिंग नहीं, रिगार्डिंग, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग consideration, regarding consideration and its ultimate collection,
एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। क्लियर? कितनी कंडीशंस हो गई? तीन। तीनों बातें समझ में आई? कुछ कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या बोलती है आप? देखो, पहली बात तो मैंने आपसे बोली बेटा कि सेल तब मानेंगे जब क्या ट्रांसफर हो गई है। फटाफट बोलो, सेलर से बायर को क्या ट्रांसफर हो गई हो? ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई हो। क्या ट्रांसफर हो गई है? ऑनरशिप। क्लियर है कि नहीं? और इस गुड्स से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या ये बात समझ में? तो मान लेंगे कि हाँ सेल हुई है। क्या ये बात समझ में? ध्यान रखना, मैंने कुछ कंडीशंस बोली हैं। तो पहली कंडीशन मैंने बोली ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। बेटा ओनरशिप जनरली तब ट्रांसफर होती है जब बिल बन जाए। क्या बन जाए? बिल। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि इनवाइस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इनवाइस बन जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि बेटा इनवाइस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो प्रूफ बताता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है। जब तक इनवाइस नहीं बनता तब तक आप कैसे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास कार है, आप बोल रहे हो ये कार मेरी है, तो ऑनरशिप मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रूफ करो आपकी है, तो आप क्या दिखाओगे? जोर से बोलो, बिल दिखाओगे कि नहीं? यहाँ ये देख लो, आरसी देख लो मेरा। क्या ये बात समझ में? कार का वो देख लो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखो, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। क्या ये बात समझ में? जब तक आप नहीं दिखाओगे, बिल नहीं दिखाओगे, इनवाइस नहीं दिखाओगे, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि कार आपकी है। तो एकमात्र चीज है क्या बन जाना चाहिए, फटाफट बोलो, इनवाइस। मतलब जब तक इनवाइस नहीं बन जाता, जिस डेट तक इनवाइस नहीं बनता उस डेट तक मैं सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मतलब पहली कंडीशन में ये बोल सकता हूँ इनवाइस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इनवाइस बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? सेकेंड, सेकेंड मैंने क्या बोला है, डिलीवरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिलीवरी। कई बार बेटा डिलीवरी होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप डिलीवरी नहीं करोगे तब तक रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं माने जाते। क्या ये बात समझ में? किस चीज को ट्रांसफर नहीं माना जाता? रिस्क और रिवॉर्ड। अब जरा समझना, रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मान लो, मैं आपसे बोलूँ बेटा ग्लास परचेस किया, ग्लासेस जो आते हैं शीशा आता, मान लो आपने वो परचेस किया है, वो जैसे मान लो मेरा एक शॉप है, आपने बोला कि मेरे को एक शीशा भेज देना, मैंने आप बोला देखो शीशा तो मैं भेज दूंगा लेकिन रास्ते में टूट फूट हो उसके, उसका नुकसान कौन उठाएगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? आप मेरे को बताओ, मैं बोल रहा हूँ मिरर आपको भेज दूंगा, रास्ते में टूट फूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? तो आप क्या बोलोगे? जोर से बोलो। वो बात की बात, आपने बोल दिया मैं उठाऊंगा, तो फिर मैं सेल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लेकिन अगर मैंने बोल दिया नहीं मैं तो यहां से भेज दूंगा, रास्ते में कुछ भी हो वो आपका, तो फिर मैं कब रिकॉग्नाइज कर लूंगा? जैसे ही गाड़ी में चलाया मैं अपनी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लूंगा, मेरे को फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुई है, डिपेंड करेगा किस पर? टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो जो बिल होगा बेटा उस पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमको प्रिंटेड रहती हैं, देखना पड़ती है कि भाई रिस्क और रिवॉर्ड किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी होना जरूरी थी, जब तक डिलीवरी नहीं हो रही तब तक रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने आपसे बोला डिलीवरी नहीं हुई है तो भी रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, और एक कई बार ऐसा होता है कि जब तक डिलीवरी नहीं करेंगे तब तक रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होंगे। दो बातें बेटा आपको ध्यान से सोचना है, मैंने बोला जब तक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पड़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि डिलीवरी करना जरूरी है भी या नहीं भी सेल्स को लिखने के लिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा है कि भाई रिस्क और रिवॉर्ड तब ट्रांसफर माने जाएंगे, रिस्क तब तक रहेगी जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती, तो मैं सेल्स को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जरा बात समझना मैडम। पहले तो मैंने आपको बताया रिस्क का, दूसरी बात बोल रहा हूँ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पर समझना थोड़ा सा। रिवॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो इनको मैंने मोबाइल सेल किया, इनको मैंने क्या सेल किया? मोबाइल। ये मैंने इनको मोबाइल सेल किया, 50,000 रुपये का मोबाइल क्या कर दिया? सेल कर दिया, iPhone 10 सेल कर दिया, भले आया नहीं है सेल कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या हो गया? तुम चुपचाप बैठो, मैंने iPhone 10 सेल कर दिया। क्या? अरे आ गया ना, आज के पेपर में आया i10 आया है, तुम किसी बातें कर रहे हो? क्या है? मैं iPhone 10 सेल कर रहा हूं, तुमको कोई दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत? मेरे पास है बस, मेरे लिए अपने लिए बनवाया, सेल कर रहा हूं iPhone 10 सेल कर रहा हूं इनको।
तो ये बोलते ठीक है सर, मैं खरीदने को तैयार। मैंने पूछा कितने का लोगे, इन्होंने बोला 64,000 रुपये का, 64,000 का। मैंने बोला चलो 64,000 दो, इनने 64,000 दिए, मैंने इनको iPhone 10 दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि सर ऐसा है, ये मैं अभी घर नहीं ले जाऊंगी, आज घर नहीं ले जाऊंगा, आज मुहूर्त खराब है, अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे, आप इस आईफोन को अपने पास ही रख लो, मैं 10 दिन बाद आऊंगी, नौ दुर्गा जब लग जाएंगे, भगवान की पूजा वूजा करके आऊंगी तब लेके जाऊंगी, ऐसा बोल रही है। क्या ये बात समझ में आई? बोले तब लेके जाऊंगी, अभी दिन अच्छे नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है 10 दिन बाद ले जाना, लेकिन मैंने इनसे एक बात बोल दी, देखो 10 दिन बाद जब आप आओगे तो मोबाइल में कोई भी टूट फूट होती है उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। मैं बोला ठीक है सर, चोरी हो जाए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपनी रिस्क पे छोड़ के जाना। इन्हें बोला ठीक है सर, रिस्क हमारी, चलो रिस्क तो ट्रांसफर हो गई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। मेरे को बताओ मैं सेल रिकॉग्नाइज करूंगा कि नहीं? मैं सेल्स रिकॉग्नाइज कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 दिन बाद जब आई तो पता चला कि जो इन्हें 64 का मोबाइल खरीदा था वो अब 60,000 में मिल रहा है। कितने कितने में मिल रहा है? 60,000। इनने कितने में खरीदा था? 64। AI बोले सर मोबाइल दो, 4,000 रुपये वापस लौटाओ, अब तो 60 का मिल रहा है, तो क्या मैं 4,000 लौटाऊंगा? क्यों नहीं लौटाऊंगा बोलो? मैं बोला रिस्क तुम्हारी। अच्छा मान लो मोबाइल का भाव बढ़ गया, 68,000 का हो गया है, तो बताओ ये ऐसा बोलेंगे सर 4,000 और ले लो और मोबाइल ले दो, ये बोलेंगे क्या? नहीं, ये क्या बोलेंगे, हमने लिए तो उसी दिन लिया था। मतलब प्राइस चेंजेस होते हैं, दैट इज रिवॉर्ड। उसको क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। प्राइस चेंज के बेनिफिट और लॉस बायर ही बियर करेगा। कौन बियर करेगा? बायर। सेलर बियर नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड ट्रांसफर होना। क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड ट्रांसफर। मतलब एक बार ले लिया, उसके बाद प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, उससे असेट की वैल्यू बढ़ रही कम हो रही, तो उसकी रिस्क भी बायर बियर करे, तो उसको बोलते हैं बेटा रिवॉर्ड चेंज होना, क्या सॉरी रिवॉर्ड ट्रांसफर होना। तो दो चीजें हो गई, रिस्क मतलब असेट पर कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती, चोरी हो रही होती है, तो उसको भी बियर करेगा कौन? बायर। रिवॉर्ड मतलब प्राइस चेंज, रिवॉर्ड मतलब प्राइस चेंज, उसमें यदि कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी क्या करेगा फटाफट बोलो? बायर बियर करेगा। और ये तब पता चलता है बेटा, ये सब कुछ डिलीवरी से पता चलता है। किससे पता चलता है? डिलीवरी, कि अगर डिलीवरी दे दी गई या नहीं दी गई। क्या ये बात समझ में आई? कई बार ऐसा हो जाता है, ये बोलते हैं कि देखो मैं नहीं ले जा रही हूं, यहीं छोड़ के जा रही हूं, इनकी रिक्वेस्ट पर छोड़ी इनने, मेरी रिक्वेस्ट तो थी नहीं, बोलो मैं तो आज ही बोल रहा था कि आज ही ले जाओ, ये नहीं ले गई। तो जो भी प्राइस में चेंजेस हुए वो इनका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? कौन कौन सी दो बातें बोल दी सब लोग बताओ, कौन कौन सी दो बातें बोल दी? पहली बात कौन सी बोली? ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो किससे पता चलते हैं? डिलीवरी से। किससे पता चलते हैं? डिलीवरी। डिलीवरी हो गई तो उससे पता चल। अच्छा डिलीवरी होना मैंडेटरी है क्या? मैंने कई बार बोला कि डिलीवरी नहीं भी हो तो भी रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, अभी मैंने बताया। क्या ये बात समझ? तो ये ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम में लिख के मत आ जाना कि डिलीवरी होना जरूरी है, नहीं, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? और ये बिफोर द डिलीवरी भी हो सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी, बट जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर डिलीवरी दे दी तो रिस्क और रिवॉर्ड भी क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए, सब मानते हैं। क्या ये बात समझ में? इसलिए मैंने आपको डिलीवरी वाली बात लिखवाई, क्लियर है कि नहीं? थर्ड कंडीशन मैंने आपसे बोला है क्या? देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। तो अब जरा इस बेटा इसका मीनिंग समझना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, अंडरलाइन करें, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। बेटा नो अनसर्टेनिटी का यहां पर मतलब है दो चीजें होती हैं, एक सर्टेनिटी, एक क्या होती है फटाफट बोलो? सर्टेनिटी। और दूसरा होती है अनसर्टेनिटी, दूसरा क्या होती है? अनसर्टेनिटी। एक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब 100% सियोरिटी के ऐसा होगा ही, क्लियर है कि नहीं? अनसर्टेनिटी मतलब 100% सियोरिटी के ऐसा नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अनसर्टेनिटी, ये नहीं होने वाला। क्या ये बात समझ में आई? तो दो चीज हो गई, एक सर्टेनिटी और दूसरा अनसर्टेनिटी। मैंने बोला या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा, क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर सर्टेनिटी। यहां कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? नो अनसर्टेनिटी। कौन सा लिखा है? नो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा, नो अनसर्टेनिटी का मतलब है न्यूट्रल। ना मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा हो जाएगा, ना मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा नहीं होगा, दैट इज अ न्यूट्रल पोजीशन। मैंने दो नेगेटिव वर्ड यूज कर दिए, नो अनसर्टेनिटी, नो और अनसर्टेनिटी, इसका मतलब आ गया न्यूट्रल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? न्यूट्रल। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है कि मेरे पास ऐसा कोई भी
डिफॉल्ट डिफॉल्गेशन होने का रीजन नहीं है जिससे मेरे को ये लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसा बोल रहा हूं कि 100% सियोरिटी के साथ कि पैसा मिल ही जाएगा। मैं न्यूट्रल पोजीशन में हूं, तो फिर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दीपक मेरी अकाउंटिंग करता है, दीपक मेरी क्या करता है, अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंट है क्या, ये बात समझ में, ये मेरी अकाउंटिंग करते हैं, अरे तुम चुपचाप रहो, ये मेरी अकाउंटिंग करते हैं। एक दिन कोई एक स्टूडेंट पढ़ने आया, वो बोलता है सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ लूँ क्या? मैंने कहा बैठ जाओ क्लास में। दीपक बोलता सर पैसे तो आई नहीं, इनकम इनकम का क्या? मैंने कहा बुक कर ले, दे देगा, चिंता मत कर। बोले सर कैसी बात करो, इसकी शकल से लिखा है नहीं देगा। मैंने कहा नहीं नहीं दे देगा, तुम चिंता मत करो, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो दे देगा, तुम तो इनकम बुक कर लो। दीपक बोलते अच्छा ऐसा है क्या, इनकम लिख लूँ क्या? मैंने कहा हाँ लिख लो, भले नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देगा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि दे देगा, मेरे को लगता आदमी अच्छा है, लिख लेना चाहिए। दीपक ने इनकम डाल दी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो इस चीज को क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो, नो अनसर्टेनिटी। क्लियर है कि नहीं? एक दिन पता चला कि वो बच्चा जो है बिना फीस दिए चला गया, तो ये दीपक मेरे पास आया, बोले सर उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें आंक रहे थे, पैसा दे दे, बोलो नहीं दिया चला गया, मैं क्या करूं? मैं कोई बात नहीं, बैड डेब्ट्स डाल दे। बात समझ में आ रही? तो मैं क्या डालवा दूंगा, बैड डेब्ट्स। मतलब इनकम लिखने के लिए पैसा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो अनसर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसा दे देगा, मेरे को ऐसा लग रहा कि वो दे देगा, डिफॉल्ट करेगा, ऐसा थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? मेरे को लग रहा है कि वो पैसा दे देगा, मेरे को लगना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आप मेरे से पूछते हो 100% दे देगा, तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि 100% दे दूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दे देगा। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलते सर श्योरिटी से दे देगा, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि श्योरिटी से दे देगा, 100% पैसा मिलेगा ही इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हां ऐसा लग रहा है कि वो पैसा दे देगा। डिफॉल्ट करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि वो डिफॉल्ट करेगा, ऐसा मेरे पास कोई रीजन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा रीजन है कि वो डिफॉल्ट करेगा, तो फिर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब डिफॉल्गेशन का क्या नहीं होना चाहिए, फटाफट बोलो, रीजंस नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं नो अनसर्टेनिटी पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई? जहां डिफॉल्गेशन की पोजीशन आ जाती है, तो उसको क्या बोल देंगे, फटाफट बोलो, सर्टेनिटी बोल देंगे, कि भाई सर्टेन कि वो पैसा नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने आपसे बोला नो अनसर्टेनिटी होना चाहिए। चलो अब मान लो वो पढ़ लिया, क्लियर है, कुछ दिन तक उसने पढ़ाई लिखाई कर दी, अब दीपक का काम यही हो गया, जो भी स्टूडेंट बैठता है अकाउंटिंग डाल देता है कि ये तो इनकम है, भले पैसा मिले या ना मिले। इनको एक बार मैंने सिखा दिया कि देखो अगर पैसे मिलने के चांसेस आ जाए, तुम तो इनकम बुक कर लेना, भले पैसा मिले या ना मिले। क्लियर है? मेरे को सबके ऊपर विश्वास है, तुम तो लिख लेना। दीपक बस अब कोई भी नया बच्चा आता अकाउंटिंग डाल देते हैं। क्लियर? एक दिन क्या हुआ, मेरी घर वाली का भाई पढ़ने आ गया, बोले मेरे को भी सही करना, आपकी क्लास में बैठ के पढ़ूंगा। जैसे वो आके बैठा, दीपक ने देखा नया बच्चा आया, इनकम डालना है। दीपक इनकम डाल रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा भाई इनकम? अरे सर वो बच्चा आया ना, इनकम लिखना है। मेरा दिमाग खराब है कि तेरा? इनकम इनकम कुछ नहीं होने वाली, 100% अनसर्टेनिटी है कि पैसा नहीं मिलेगा। दीपक बोले नहीं सर मैं तो लिखूंगा, मैं नहीं लिख लूंगा तेरे को। क्यों लिखेगा? क्यों? क्योंकि मेरे को 100% डिफॉल्गेशन का रिस्क है कि यहाँ पैसा आने वाला नहीं है। तो डिपेंड करता है कि भाई कब इनकम लिखूं, कब इनकम नहीं लिखूं। तो चांसेस होना चाहिए कि भाई पैसा मिलने के चांसेस हैं या नहीं। मैंने बोला जहां थोड़ा सा भी लग जाए क्या, ये डिफॉल्ट करेगा, तो मैं इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। अब वो आया दीपक, उस दिन पकड़ के लेके आया, बोले सर ये तो बोल रहा है पैसा देगा, बोल रहा है कि पैसा दे दूंगा। उससे पूछा पैसा दोगे क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ पैसा दे दूंगा मैं, ऐसा उसने बोल दिया है। अब मैं इनकम लिख लूं क्या? नहीं। अमाउंट को लेके भी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कितना देगा, देगा वो ठीक है लेकिन कितना देगा पता नहीं है। तो दो चीज, एक तो डिफॉल्गेशन में अनसर्टेनिटी, और दूसरा अमाउंट को लेके भी अनसर्टेनिटी है। बात समझ में आ रही? तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ दोनों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना मिल जाएगा और ये पैसा दे ही देगा, तो फिर मैं उस चीज को क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो वहां दो बातें लिखी हैं बेटा, एक लिखा है कंसीडरेशन से रिलेटेड और एक अल्टीमेट कलेक्शन। एक क्या लिखा है? अल्टीमेट कलेक्शन। एक कंसीडरेशन को लेकर लिखा है और एक अल्टीमेट कलेक्शन लिखा है। देखो जरा उसको, डेफिनेशन में दो वर्ड लिखे होंगे, कौन कौन से? एक कौन सा लिखा है? कंसीडरेशन को लेके और एक अल्टीमेट कलेक्शन। कंसीडरेशन को लेके मतलब अमाउंट को लेके कि भाई कितना देगा मेरे को नहीं पता। अल्टीमेट कलेक्शन का मतलब यह कि पैसा मिलेगा कि
नहीं मिलेगा, एक उस चीज को लेके। अगर इन दोनों में नो अनसर्टेनिटी है, तो नो अनसर्टेनिटी का मतलब है, मतलब डिफॉल्केशन की कोई रिस्क नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफॉल्केशन करेगा कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा आज कि वो डिफॉल्केशन करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, तो मैं उस इनकम को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बेटा ध्यान रखना, जितने भी एएस पढ़ोगे, जितने भी, ये तो मैं एक एएस पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें दो वर्ड मिलते हैं, एक सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन और एक नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन में इनकम तभी रिकॉग्नाइज होती है जब 100% सियोरिटी आ जाए, और नो अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा भी लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो इनकम को बुक कर लिया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए तो बचपन में मैडम ने पढ़ाया क्रेडिट सेल की एंट्री डालो, तो आपने क्या डाली थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू से। आपने पूछा सर पैसा, मैडम से पूछा मैडम से कि पैसा तो मिला ही नहीं, आपने सेल की एंट्री डलवा दी, तो मैडम बोलती मिल जाएगा, तो आप बोलते सर मिल जाएगा मतलब पैसा तो मिला ही नहीं, आप इनकम कैसे बोल सकते हो? तो मैडम बोलती ऐसे ही होता है लिख लो, तुमने बोला अच्छा ऐसे ही होता है तो हो गया काम, लिख लो, और आपने लिख लिया। थोड़ी देर बाद मैडम ने बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, एंट्री डाल दी और दिखा भी दिया तुमको, देखो पैसा मिल भी गया, तो आपने भी मान लिया हाँ हाँ पैसा मिल गया, सही तो है, होगी एंट्री। तो क्रेडिट सेल की एंट्री इसलिए डालते हैं बेटा क्योंकि वहां क्या रहती है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रियलाइजेशन, कि भाई नो अनसर्टेनिटी है मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि पैसा डूब जाएगा, मेरे को लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा तो मिल। अगर मेरे को 5% भी ऐसा लगने लग जाए कि पैसा नहीं मिलेगा, तो बेटा मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, आज नहीं लिखूंगा, जब तक कि मेरे को सर्टेनिटी नहीं आ जाती तब तक इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्या ये दोनों तीनों कंडीशन समझ में आई कि नहीं? कितनी कंडीशन हो गई फटाफट बोलो, तीन। कौन कौन सी फटाफट बताएंगे, कौन कौन सी? पहली कंडीशन क्या है, अब इनको अगर शॉर्ट में बोलूं तो ध्यान से सुनना क्या क्या होगा, व्हेन ऑनरशिप शुड बी ट्रांसफर, दूसरा बोल सकते हो व्हेन रिस्क कैन रिवॉर्ड आर ट्रांसफर, और क्या बोल सकते हो, थर्ड फटाफट बोलो, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, तो मैं इनकम को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। इसका एक एक्सेप्शंस लिखो बेटा, सेकेंड कंडीशन का एक एक्सेप्शंस, सेकेंड कंडीशन का एक एक्सेप्शंस है। क्या आप मेरे को बताओगे डिलीवरी के केस का एक एक्सेप्शन है? मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, क्या आप मेरे को बताओगे क्या है? डिलीवरी ऑन बायर रिक्वेस्ट, लिख लो बेटा, सेकंड कंडीशन का एक एक्सेप्शन है कि अगर डिलीवरी ऑन बायर रिक्वेस्ट है तो इस केस में डिलीवरी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस केस में इनकम को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में? तो एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड कंडीशन का मैंने क्या बोला, डिलीवरी ऑन बायर रिक्वेस्ट, अगर बायर ने कोई रिक्वेस्ट कर दी है तो मैं इनकम को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लूंगा, भले मेरे को अभी मिला हो या ना मिला हो। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा, सेकेंड कंडीशन का एक और एक्सेप्शंस लिखो, प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस सेकेंड वाली कंडीशन का, जहां मैंने बोला है प्राइस चेंज, अगर प्राइस चेंज का है, सॉरी सेकेंड का नहीं, थर्ड का, थर्ड कंडीशन का लिखना, प्राइस चेंजेस थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन का एक्सेप्शन है, थर्ड कंडीशन का एक एक्सेप्शन लिखो, प्राइस चेंजेस, अगर प्राइस चेंज का मामला है, कौन सा मामला है फटाफट बोलो, प्राइस चेंज का, तो इस इनकम को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब 100% सर्टेनिटी हो, जब 100% क्या हो, सर्टेनिटी हो, या 100% सर्टेनिटी नहीं होना चाहिए प्राइस चेंजेस में। सर ये क्या है प्राइस चेंज, थोड़ा सा समझाओ। समझो बेटा, जैसे आपका क्रैश बैच खत्म होने वाला है, हो रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा आपका, 4-5 दिन बाद आपका बैच क्या होने वाला है, खत्म। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, अरे 2 मिनट मेरी सुन लो ना यार, चुपचाप बैठना और मुंह मत चलाना, इधर सुनो। मैंने बोला मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने फीस कम ली थी, इसलिए मेरे को लगता है
कि हजार हजार रुपए फीस बढ़ा देना चाहिए। अरे तुम चुपचाप बैठो, अभी तुमको मुंह चलाने का बोला क्या? मैं अपनी बात कर लूं पहले, बाद में आपसे पूछूंगा। मेरे को लगता है कि हजार हजार रुपए की फीस बढ़ा देना चाहिए और आपसे रिसीव कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इसको बोलते हैं प्राइस चेंज, मतलब गुड्स डिलीवर हो गया, बिल बन गया, उसके बाद प्राइस चेंज करना। क्या ही बात समझ में आई? तो मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब बढ़ी हुई कीमत तुमसे क्या की जाए, वसूली जाए, हजार हजार रुपए और तुमसे लिए जाए। पीछे दीपक सुन रहा था, बोले आप चलो ये सब सर बोलते हैं, पैसा तो दे ही देंगे, इनकम लिख लेते हैं। दीपक ने वहाँ इनकम डाल दी। मेरे को बताओ क्या ये पैसा मिलेगा? बोलो जोर से बोलो। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे सर फालतू बात कर रहे हो, कुछ वापस लौटाने की बात करो तो हमको समझ में आती है, लेने की तो बात करना ही मत, आप समझ में आएंगे नहीं। दैट इज प्राइस चेंज। तो बताओ ये प्राइस चेंज का मामला मैं कब रिकग्नाइज करूंगा, आप मेरे को बताओ। जब 100% कोई आके मेरे हाथ में पैसा रख ले कि सर ये लो हजार रुपए आपने बढ़ाई थी, मैं देता हूँ आपको, क्या ये बात समझ? तो मैं दीपक से बोलूंगा इनकम डाल दे। नहीं तो जब तक मैं इनकम नहीं डालूंगा, जब तक कि मेरे को पैसा मिल नहीं जाता। तो प्राइस चेंजेस का मामला हुआ तो बेटा फिर हम उस केस में इनकम 100% सर्टेनिटी के बेसिस पर ही रिकग्नाइज करेंगे, नहीं तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो कोई डाउट, क्लियर हुआ कि नहीं? दीज आर एक्सेप्शंस, ये दो एक्सेप्शंस हैं बेटा इस पूरी डेफिनेशन के, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बाकी सबके ऊपर कंडीशंस लिखेंगे। अब कुछ स्पेशल सेल्स लिखें बेटा, कुछ स्पेशल केसेस लिखें, कुछ स्पेशल केसेस लिखें रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स के। मैंने आपको कितनी कंडीशंस लिखवाई हैं फटाफट बोलो? तीन। जरा लिखें अब कुछ स्पेशल केसेस, लिखें इन एडिशन टू अबव गिवन कंडीशन, इन एडिशन टू अबव गिवन कंडीशन बी मे हैव सेल इन सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस एज फॉलोप्स। दो हेडिंग डाल लें, यहां लिखें आप स्पेशल केस, यहां लिख लें एडिशनल कंडीशन। मतलब मैंने जितनी कंडीशन लिखवाई हैं उसके अलावा कुछ कंडीशंस और देखना पड़ेगी, यहां लिख लें स्पेशल केस और कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब वो तीन तो रहेंगी रहेंगी, कुछ सेल के केस में एकाद स्पेशल कंडीशंस होगी। क्लियर है कि नहीं? कुछ स्पेशल केसेस लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाना। सबसे पहले हेडिंग में लिखें स्पेशल सेल में गारंटी सेल। क्या आपको गारंटी सेल पता है? गारंटी सेल क्या होती है बता बेटा, गारंटी सेल क्या होती है बोले? जिसमें मैंने सेल कर दिया गुड्स और उससे बोला है कि देखो गुड्स को यूज करो, अगर इस पीरियड के अंदर गुड्स में कोई टूट फूट हो गई तो गुड्स वापस दे जाना, मैं बदल के आपको नया गुड्स दे दूंगा। इसको बोलते हैं गारंटी सेल, मतलब एक्सचेंज कर लूंगा, पुराना गुड्स लेके एकदम नया दे दूंगा। क्या ऐसी सेल मार्केट में मिलती हैं बोलो, जिसमें कोई गारंटी वारंटी पीरियड होता है, ऐसा होता है क्या? तो बताओ इस केस में इनकम कब रिकग्नाइज करेंगे? तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या है बेटा, वो तीन कंडीशन तो वही रहेंगी, एक और कंडीशन जुड़ जाएगी इसमें एडिशनल, क्या? एक्सपायरी ऑफ गारंटी पीरियड। मतलब जब तक गारंटी पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक इस सेल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो एक्सपायरी ऑफ गारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद ही हम क्या करेंगे बेटा, इस इनकम को रिकग्नाइज करेंगे, इनकम को बुक करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो सर क्यों ऐसा क्यों, आप बताओ बेटा, यहां रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होंगे? रिस्क कब तक रहेगी? जब तक ये गारंटी पीरियड है तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में? इसलिए जरूरी है एक्सपायरी होना किसका, फटाफट बोलो, कौन सी सेल, कौन सी केस का, फटाफट बोलो, गारंटी सेल का। नेक्स्ट लिखें बेटा इंस्टॉलेशन सेल्स, दूसरी सेल लिखें इंस्टॉलेशन सेल। क्या आपको इंस्टॉलेशन सेल पता है? हाँ, इंस्टॉलेशन सेल मतलब इंस्टॉल होना। क्लियर है कि नहीं? आप मेरे को बताना, जैसे मैंने एक एसी परचेज किया, मान लो सैमसंग का एसी परचेज किया,
एसी घर लेके आऊंगा, खुद इंस्टॉल कर लूंगा। तो कंपनी वाला आएगा, इंस्टॉल करेगा, उसके बाद चालू करके देगा। बोलो हाँ ना। तो इंस्टॉलेशन सेल में बताओ बेटा मैं कब सेल बुक करूंगा, जोर से बोलो। डिलीवरी होने के बाद, तो डिलीवरी हो गई उसके बाद भी सामने वाला कस्टमर सेटिस्फाई है, अगर मैं इंस्टॉल करूँ ही नहीं, उसके यहाँ रख के आ जाऊँ, बोले लगवा लेना, लगा लेना खुद ही, वो क्या करेगा, उठा के एसी मेरे सिर पे मार देगा, बोले रख अपना कि दूसरी कंपनी से ले लूँगा, क्या ये बात समझ में आ रही। तो आप मेरे को क्या करवाना जरूरी है, जोर से बोलो, इंस्टॉल कराना जरूरी है कि नहीं। तो कई असेट ऐसी होती हैं जो इंस्टॉल कराना जरूरी होती हैं, उसके बाद ही वो चालू होती हैं, क्लियर। तो एसी सेल को कब रिकॉग्नाइज करोगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो लिखें एडिशनल कंडीशन में, सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली when installation get completed and customer satisfied। दो चीजें होना चाहिए। तो installation हुआ है, आपने कर दिया, वो अच्छी बात है। दूसरा कस्टमर क्या है, सेटिस्फाई। पता चला एसी आपने इंस्टॉल किया, वो गर्म हवा फेंकने लग गया, बोल देख इंस्टॉलेशन तक की बात हुई थी, अब गर्म आए चाहे ठंडी आई वो तेरा मामला है। तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई मान लोगे, नहीं। कस्टमर क्या करेगा, एसी उखाड़ेगा और सिर पे रखेगा और दौड़ लगा के आपकी दुकान पे आके मुंह पे फेंक के जाएगा, बोलेगा रख खुद ही गर्म हवा लेना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो साथ में कस्टमर भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। तो दोनों बातें लिख के आना एग्जाम में, मतलब कुल मिला के कितनी कंडीशंस हो गई, चार। एक कौन सी भैया, बिल बन गया हो, दूसरा डिलीवरी हो गई, तीसरा नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन था ही, चौथा अरे गारंटी नहीं रहे गधो, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, इंस्टॉलेशन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो गुड, नेक्स्ट लिखो कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट समझते हो क्या, बोलो हाँ। क्या होता कंसाइनमेंट, एजेंट के थ्रू गुड्स को सेल करना, किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू। बताओ बेटा एजेंट के थ्रू गुड्स को सेल करने में मैंने गुड्स एजेंट को दिया, सेल मान लूं, तो कब सेल बुक करूंगा, जब मेरा एजेंट गुड्स किसी थर्ड पार्टी को बेचते, क्लियर है कि नहीं। तो लिखो यही बात लिख लो, सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन गुड्स सोल्ड टू थर्ड पार्टी बाय कंसाइनी। क्या ये बात समझ में आ गई, जब थर्ड पार्टी को गुड्स किसने सेल कर दिया है, कंसाइनी ने, तब जाके मैं सेल को रिकॉग्नाइज करूंगा, उससे पहले सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। नेक्स्ट लिखें बेटा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। आप बताओ बेटा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल की सेल कब रिकॉग्नाइज करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल की, अरे जब वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कब कन्वर्ट होगी, जब कस्टमर का क्या आ गया है, अप्रूवल आ गया है, सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया या अप्रूवल पीरियड एक्सपायर हो गया, क्या ये बात समझ में आई, या उसने असेट के साथ ऐसा कुछ कर दिया कि जैसी पहले थी वैसी नहीं रही, ऐसा हो जाता है क्या। ये सारी बातें कहाँ पड़ी हुई थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पड़ी थी, भूल गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंडीशन में लिख लो अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कंडीशन फुलफिल कर दे तो भाई मान लेंगे कि हाँ ऐसा हो गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कंडीशन पता है कौन कौन सी, एक तो मैं बता देता हूं, इफ अप्रूवल रिसीव फ्रॉम कस्टमर से अप्रूवल रिसीव हो गई है, गुड, इफ अप्रूवल रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हाँ दूसरा अप्रूवल पीरियड क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। और तीसरा
असेट जैसी दी थी वैसी नहीं रही। कैसे? आपने सेल की थी उसको कार, उसने कार को उसने डंफर बना के ईंटें धोना चालू कर दी और ईंटें ढो ढो के उसने कार का इंजन ही निपटा दिया। तो क्या वापस ले लोगे? नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो गुड्स सोल्डर अप्रूवल मतलब बेटा जैसा आपने बेचा था वैसा वो गुड्स नहीं रहा, तो हम इनकम को रिकग्नाइज करें। नेक्स्ट लिखें बेटा वारंटी सेल। नेक्स्ट वन इज वारंटी सेल। बताओ वारंटी समझते हो कि नहीं? वारंटी सेल में क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने का एक समय देते हैं कि भाई हम तुम्हारा रिपेयर कर देंगे, अगर कुछ भी दिक्कत आती तो गुड्स को हम बदलेंगे नहीं, एक्सचेंज नहीं करेंगे, उसी को क्या कर देंगे, रिपेयर्स कर देंगे। मतलब कोई गड़बड़ होती है तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस कर देंगे। लिखें इस केस में सेल शुड बी रिकग्नाइज इमीडिएटली। सेल्स तो इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे, बट अप्रोप्रिएट प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर रिपेयर। लेकिन साथ में इमीडिएटली एक अप्रोप्रिएट रिपेयर का प्रोविजंस भी बनाएंगे क्योंकि ये खर्चा हो सकता है। सेल कब लिख लोगे? सब लोग बताओ सेल कब लिख लोगे? इमीडिएटली। लेकिन क्या बनाओगे? प्रोविजन, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर रिपेयर के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो हायर परचेज सेल। बेटा हायर परचेज सेल में आप सबने फर्स्ट ग्रुप में हायर परचेज पढ़ा है। सर अभी भी हम फर्स्ट ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। बेइज्जती हो गई? बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी इज्जत हो। कैसी बातें कर रहा हो तुम? इधर देखो। मान लो एक गुड्स की कैश प्राइस थी, कैश प्राइस समझते हो? हाँ, आज मैं खरीदने जाऊं तो वो 1000 का मिलेगा, लेकिन अगर इसी को मैं हायर परचेज पे खरीद रहा हूं तो वो मेरे को 1200 रुपए में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? अच्छा 200 रुपए। क्या चीज है? मतलब हायर परचेज प्राइस में दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं। कोई मेरे को बताएगा क्या क्या जुड़ा हुआ था? बोलो। एक कैश प्राइस और दूसरा क्या है, सबको पता है? बोलो। इस कैश प्राइस को अगर मैं कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दूं तो क्या आता है यहां पर? प्रॉफिट। क्योंकि गुड्स तो मैंने कॉस्ट में खरीदा होगा ना। मतलब एक गुड्स मैंने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस थी इसकी 800। अगर कोई मेरे से आज के आज पैसा दे दे तो 1000 में बेच दूंगा, अगर वो बाद में पैसा देगा तो क्या होगा? फटाफट बोलो, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या ये बात समझ में? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो प्राइस छुपी हुई रहती है, एक कैश प्राइस और दूसरी कौन सी? कॉस्ट प्राइस। तो बताओ बेटा इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो बोलते जो कैश प्राइस है, कौन सी प्राइस? फटाफट बोलो, कैश प्राइस। इस प्राइस तक की सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करें, इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करें? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने क्या किया, एक गुड्स सेल किया है हायर परचेज का, पर इसका डाउन पेमेंट तो मेरे को आज मिल गया 1 लाख, बाकी इंस्टॉलमेंट आएंगी 2-2 लाख की, 4। 2-2 लाख की कितनी आएंगी? 4। इस तरह से मेरे को पैसा मिलेगा। मतलब टोटल मिला के कितने रुपए की सेल की मैंने? 2-2-2-2 कितना? 8 तो ये हो गए, एक डाउन पेमेंट हो गया, कितना हो गया? 9 लाख की सेल की है, इसका पैसा ऐसा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर इसकी मैं बोल दूं कैश प्राइस जो है वो 6 लाख है। तो बोलो इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जोर से बोलो। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनकम रिकॉग्नाइज कर लें। जैसे जैसे पैसा मिलता जा रहा वैसे वैसे इनकम रिकॉग्नाइज करते जाएं। हाँ तो सिस्टमेटिक बेसिस पर लिख लो। लो ऐसा नहीं है बेटा, कैश प्राइस तक की सेल तो इमीडिएटली बुक कर लेंगे। कौन सी प्राइस तक? कैश प्राइस। लिखो बेटा कैश प्राइस के नीचे लिखो इमीडिएटली, कैश प्राइस के नीचे लिखो, ऐसा बना लो आप। तो ये हायर परचेस लिख लो कंडीशन में और यहाँ लिखो कैश प्राइस के नीचे, यहाँ लिखो
इमीडिएटली टू बी रिकॉग्नाइज एज अ सेल। कैश प्राइस को तो इमीडिएटली सेल्स रिकॉग्नाइज कर लो। जो लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बुक करेंगे उनने AS 9 नहीं पढ़ा, वो गधे हैं। कोई प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट नहीं होता यहाँ। क्या ये बात समझ में आई? तो सेल प्राइस की इनकम को तो कैसा बुक किया जाएगा? फटाफट बोलो, इमीडिएटली। कहाँ तक की? फटाफट बोलो, कैश प्राइस। अच्छा, कैश प्राइस से ऊपर वाली चीज क्या है? कैश प्राइस से ऊपर वाली चीज क्या है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को आप सबको पता है कौन से बेसिस पर बुक करेंगे? ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लिख लो बेटा, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केवल इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज होगा, बाकी सेल तो इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सर, इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिकॉग्नाइज होगा? क्योंकि इंटरेस्ट आपने बढ़ा है ड्यू बेसिस पर। जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक इनकम को कैसे मान सकते हो? क्या ये बात समझ में? तो टाइम के बेसिस पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्लियर? तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? लिखो नेक्स्ट, इंस्पेक्शन सेल्स। इंस्पेक्शन सेल्स, आपने इंस्पेक्शन सेल की, इंस्पेक्शन सेल समझते हो कि नहीं? मतलब पहले कस्टमर देखेगा आपका गुड्स कि सही साट आया कि नहीं, मतलब पहले इंस्पेक्शंस करेगा, उसके बाद फिर वो मानेगा कि हाँ गुड्स रिसीव हुआ है। लिखें इंस्पेक्शन सेल्स में, लिखें सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली, सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन व्हेन इंस्पेक्शंस ऑफ गुड्स, इंस्पेक्शंस ऑफ गुड्स गेट कंप्लीटेड एंड गुड्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, एंड गुड्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। जब तक कस्टमर ये नहीं बोल देता क्या क्या गुड्स मेरे को पसंद है, मेरे अकॉर्डिंग आ गया है, तब तक आप सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस समझते हो कि नहीं? पब्लिकेशंस मतलब एड, एड देखे कभी आते हुए? अरे हाँ, है ना? नहीं देखे? कोई नहीं। पब्लिकेशंस एंड जनरल सेल क्या होता है बेटा? पब्लिकेशंस एंड जनरल सेल्स ये क्या चीज है बताओगे आप मेरे को? कितने लोगों ने पब्लिकेशंस ले रखे हैं? हाँ, क्या दैनिक भास्कर आता है घर में? दैनिक भास्कर, न्यूज़पेपर आता है? इंडिया टुडे की कभी मैगजीन खरीदी? मैगजीन खरीदी कभी? चंपक कंपक बचपन में खरीदते थे? हाँ, बस वही पूछ रहा हूँ। हाँ, उसी सेल की बात चल रही है, है ना? क्लियर है कि नहीं? वो आती नहीं, वो सारी आती थी मैगजीन घर पे, आती थी कि नहीं जब आप छोटे बच्चे थे? अभी भी आती हैं? रस रंग, पता नहीं कौन कौन, ग्रह शोभा, ऐसी बहुत सारी आती थी। हाँ, तुमको पता नहीं है? अच्छा, ग्रह शोभा मैं पढ़ूंगा, है ना? हाँ, यही बच गया मेरे लिए। चलो जो भी है, तो ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। जैसे मान लो बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंडिया टुडे वाले जो हैं, इंडिया टुडे वाले से मान लो, जो इंडिया टुडे वाले हैं इनसे मैंने क्या ली, एक पब्लिकेशन मैगजीन के लिए बोला है कि मेरे को साल भर मैगजीन भेजना। मान लो ये मंथली मैगजीन आती है और मैंने बोला है कि मेरे को साल भर क्या चाहिए, मैगजीन चाहिए आपकी, मतलब इस साल भर में कितनी भेजेंगे सब लोग बताओ, जोर से बोलो, 12। साल भर में 12 मैगजीन बेचेंगे। इसके लिए इनने मेरे से बेटा 1000 रुपए अभी ले लिए, मेंबर से फीस तो अभी ले लेंगे, कितने रुपए ले लिए फटाफट बोलो? 1000 रुपए अभी ले लिए। और ये मैंने इनसे बेटा, मतलब जब ये 12000 रुपए दिया है 12 महीने का, ये मैंने मान लो 1st of September को दिया है। कब दिया है? 1st of September। बताओ 1st of September से लेकर के ये मेरे को कब तक रिसीव्ड होगी? फटाफट बोलो, 30 अगस्त तक मेरे को मैगजीन आएंगी कि नहीं? अच्छा, इसी बीच में इंडिया टुडे वालों का ईयर एंड आएगा। अच्छा, इंडिया टुडे को कितने रुपए मेरे से मिल गए हैं सब लोग बताओ? 1000। क्या इस 1000 रुपए को पूरे को इनकम मान लेना चाहिए इनको? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बोलो, जोर से बोलो, क्यों नहीं मानना चाहिए?
क्योंकि भाई अभी गुड्स दिया ही नहीं आपने, भले उनको 1000 रुपए पूरा मिल गया, मतलब इस केस में क्या होता है उनको पैसा पहले मिल जाता है और गुड्स बाद में देना पड़ते, बस इस सेल का एक फर्क ही होता है, समझ में आ रहा कि नहीं। पब्लिकेशन सेल्स जितनी भी होती हैं, जनरल सेल्स जो भी सेल होती हैं, इन सेल में क्या होता है बेटा, कस्टमर से पैसा तो पहले ले लिया जाता है और गुड्स डिलीवर होते हैं बाद में। तो बताओ इसको कितनी इनकम बुक करूं, कैसे क्या करूं, मेरे को देखना पड़ेगा। जितना गुड्स डिलीवर्ड हो चुका है, जो पीरियड करेंट ईयर में निकल गया है, उसकी सेल तो करेंट ईयर में बुक करूंगा, और बाकी सेल कब चली जाएगी, फटाफट बोलो, नेक्स्ट ईयर में, मतलब सितंबर से लेकर के मार्च तक, 31 मार्च तक, कितने महीने हो गए हैं आप मेरे को बता दें, कितने महीने हो गए हैं बोले, हाँ यहां से लेके यहां तक कितने महीने, 7 महीने यहां हो गए, बाकी नेक्स्ट ईयर में कितने महीने जा रहे हैं, 5 महीने। तो 5 महीने की सेल कब बुक करोगे, नेक्स्ट ईयर में, और 7 महीने की सेल मतलब इस 1000 रुपए को 7:5 में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लिखें बेटा, क्या लिखेंगे, लिखें सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन पब्लिकेशन डिलीवर्ड टू कस्टमर otherwise amount received from customer will be considered as advance from customer। इसको हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर मानेंगे, क्लियर, क्या मानोगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्लियर, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट लिखें कैश ऑन डिलीवरी, क्या ये भी आपने पढ़ी है, कैश ऑन डिलीवरी, हाँ आजकल यही सेल सबसे ज़्यादा चल रही है। फ्लिपकार्ट से आपने कुछ परचेज किया, क्या होता है फटाफट बोलो, आपको पैसा पहले देना पड़ता है कि बाद में देते हो, बाद में, कब, जब डिलीवरी मिल जाती है उसके बाद। तो बताओ ये सेल कब रिकॉग्नाइज्ड होगी, डिलीवरी देने के बाद की पैसा मिलने के बाद, पैसा, क्योंकि भाई वो डिलीवरी तभी लेगा जब उसके अकॉर्डिंग, तभी पैसा देगा कि नहीं। तो लिखो बेटा ये सेल तभी रिकॉग्नाइज्ड होगी जब कैश रिसीव्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैश रिसीव। तो लिखें बेटा कैश ऑन डिलीवरी वाली सेल तब रिकॉग्नाइज्ड होगी जब कैश रिसीव्ड हो जाए, क्लियर, क्योंकि जब तक वो कैश नहीं देगा तब तक वो डिलीवरी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि नाम ही क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट सेल क्या है, कभी किसी ने इस सेल का नाम सुना, हाँ कितने लोगों ने सुना है, क्या जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाए तब सेल मानेंगे, नाम से ही समझ में आ गया, गुड गुड गुड, ऐसा नहीं बेटा, लास्ट इंस्टॉलमेंट सेल मतलब जिसमें हम कस्टमर से पैसा लेना पहले से चालू कर देते हैं, पैसा लेना पहले से चालू कर देते हैं, जैसे कभी वो पीसी ज्वेलर्स पे गए, पीसी ज्वेलर्स, हाँ वहाँ जाओ तो वहाँ उनसे बोलो कि भाई मेरे को कुछ नेकलेस वगैरह परचेज करना है, आप ही नहीं चाहिए, एक साल बाद लूँगा, तो बोलेंगे ठीक है एक साल बाद लेना, आप पैसा एक साथ मत देना, आप पहले से पैसा देना चालू कर दो, तो आपसे पैसा वो पहले से ले लेंगे, 10 इंस्टॉलमेंट आपसे ले ली और बोलेंगे 11वीं इंस्टॉलमेंट माफ, जैसी 11वीं इंस्टॉलमेंट आएगी मैं आपको माफ कर दूंगा, गुड्स डिलीवर्ड कर दूंगा, मतलब गुड्स पहले नहीं मिलता, गुड्स कब मिलता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय, कब मिलता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय। तो बताओ ऐसी इनकम कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जल्दी बोलो, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मैंने आपसे बोला एक आध इंस्टॉलमेंट माफ हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, पैसा पहले ही रिसीव्ड हो जाएगा कि नहीं, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट हो गई तो पैसा आ जाएगा कि नहीं, तो सेल का पैसा पूरा आ गया,
अब लास्ट इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी उससे लेना नहीं है, मतलब ये इनकम कब रिकग्नाइज कर लोगे आप? जोर से बोलो, सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय। लेकिन डिलीवरी तो अभी दी नहीं है। डिलीवरी दी क्या? नहीं। तो डिलीवरी वाली कंडीशन भी तो लगेगी कि नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब आपने गुड्स का पजेशन किसको दे दिया? कस्टमर को। क्लियर है कि नहीं? जैसे आप गुड्स को पजेशन दोगे, गुड्स का पजेशन कस्टमर को दोगे, वैसे ही इनकम क्या हो जाएगी? रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी। समझ में आ रही नहीं? बोलो तो लिख लें, व्हेन पजेशन गिवन टू कस्टमर। जैसे ही हमने पजेशन दिया किसको? फटाफट बोलो, कस्टमर को। मैं क्या करूँगा? सेल को रिकग्नाइज कर लूँगा। ये सेल बेटा बहुत चलती है अभी, जो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, महंगी चीज़ जब भी होती है तो बोलते हैं कि ठीक है आप पैसा पहले से देना चालू कर लो। पैसा पहले लेते रहते हैं लेकिन गुड्स का पजेशन नहीं देते। पजेशन कब देते हैं? लास्ट टाइम। बोलते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम्हारी माफ, तो कस्टमर भी खुश हो जाता है, चलो कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट मिल गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करते हैं, आपसे पैसा पहले ले लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमा लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जितना इंटरेस्ट कमाते हैं उतना तो वो वेव कर देते हैं। क्लियर? तो कस्टमर भी खुश है और ऑर्गेनाइजेशन भी खुश के, बढ़िया सेल तो हो रही। ऐसी सेल कौन सी सेल कहलाती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट सेल। याद रहेगी कि नहीं? ये थी बेटा सब स्पेशल सेल, जिसमें आपको कुछ कंडीशंस, अब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं S9 के। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा पहला का बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स। दूसरा लिखें बेटा, सेकंड लिखें रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। थर्ड लिखें सेकंड कंडीशन, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अभी मैंने केवल कौन सी इनकम पढ़ाई आपको? बोलो, सेल्स ऑफ गुड्स। चलो अब मैं एक वो एक को जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो निकाल दूं आपको। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा था, बताओ ये इनकम Y1 में रिकॉग्नाइज करूंगा कि Y2 में? अब बताओ, बोलो Y1 में या Y2? ध्यान से सुनना, 28 मार्च को ऑर्डर आया था, 30 मार्च को गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, 31 मार्च को बिल भी बना दिया, 1 मार्च को गुड्स डिलीवर कर दिया, 4 तारीख को पैसा मिल गया। चलो 4 तारीख को पैसा भी मिल गया, बताओ कब? 1 अप्रैल। कितने लोग बोल रहे हैं 1 अप्रैल? तो आप गधे हो। आंसर ऐसा नहीं लिखना है, आपको दोनों बातें लिखना है कि अगर रिस्क और रिवॉर्ड डिलीवरी पर ट्रांसफर हो रहे थे तो जब तक डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और अगर रिस्क और रिवॉर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर के समय ही ट्रांसफर हो गए थे तो बिल जब बना तभी सेल्स क्या कर ली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में अपना कंक्लूजन लिख के मत आना। अगर आपने अपना कंक्लूजन लिख दिया तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, अगली बार एक बार एग्जाम और देना पड़ेगी। समझ में आ रहा कि नहीं? आंसर आप दोनों लिख के आओगे, उनको बता के आओगे हमको सब पता है। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर लास्ट में आप जब सारी बातें बता दो तो फिर भले कंफ्यूजन में छोटी सी बात यदि आपको बोलना हो तो बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप बताओगे दोनों बातें कि अगर ऐसा है तो ये, ऐसा है तो ये। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आंसर दोनों बातों में निकला है। आंसर बेटा 4 पैरा में लिखोगे। कितने पैरा? 4। एक पैरा आएगा आपका नेम और नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहली बात तो ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एक नंबर इतने का मिल जाता है अगर ये लिख दो तो। फिर दूसरी बात लिखो प्रोविजन ऑफ AS9। जैसे ही आपने पढ़ा सेल्स ऑफ गुड्स, वैसे ही वो 3 कंडीशन जो बोली है ठोक दो। क्या ये बात समझ में? क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आपने वो 3 कंडीशन पढ़ी ना, लिख दो। मैंने बोला क्या, पहली बात क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एक बात ये लिखना है। दूसरी बात क्या लिखोगे फटाफट बोलो? प्रोविजन AS9 के कौन से प्रोविजन इस समस्या पे लग रहे हैं वो प्रोविजन लिख दो। तो अगर जैसे ही आपको क्वेश्चन में देख रहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, क्वेश्चन भले समझ में नहीं आ रहा हो 3 कंडीशन तो लिख दो। बात समझ में आई? थर्ड पैरा होगा बेटा प्रॉब्लम के लिए, कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उस चीज को डिस्कस करो, कि प्रॉब्लम के अंदर क्या चल रहा था उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स के लिए प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करो, और लास्ट पैरा में आपको कंक्लूजन्स देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? तो प्रॉब्लम थर्ड पैरा में आना है, फोर्थ पैरा कंक्लूजन का होना चाहिए। ऐसे 4 पैरा आपको लिखोगे, जितने पैरा लिखोगे उतने नंबर्स, जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो ये 4 बातें आपको लिख के आना है। हर एक पैरा का 1 नंबर मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब मैं आपसे बोलूं 2 नंबर तो कंफर्म है, बस ये पहचान जाओ कि AS कौन सा है, तो कोई दिक्कत नहीं, भले कंक्लूजन लिखाओ नहीं लिखाओ। समझ में आ रहा कि नहीं?
दो तो 100% कंफर्म होते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में ही घुसा हुआ रहता है, क्वेश्चन को समस्या को पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा, फिर कंक्लूजन आपके ऊपर के कंक्लूजन आप कैसा लिख रहा हो। मैंने आपसे बोला कंक्लूजन आपको दोनों तरह की बातें लिख के आना है कि ऐसा होगा तो ऐसा और ऐसा होगा तो ऐसा, समझ में आ रहा कि नहीं, तो इस तरह से आंसर्स लिखोगे। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ ना। नेक्स्ट लिखो बेटा, अब लिखो रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। लिखें एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस इनकम इन द बुक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इन द बुक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कैन बी रिकग्नाइज्ड, आराम से बोलो, ओके ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9, इतना लिख लिया, अब जब बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, लिख लिया एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस इनकम इन द बुक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। बेटा सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर इनकम को रिकग्नाइज करने की दो मेथड्स हैं, कितनी मेथड्स हैं, दो। फर्स्ट लिखें कंप्लीटेड सर्विस मेथड और सेकेंड वन इज प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीशन मेथड, शॉर्ट में लिख लो PCM, प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीशन मेथड। कितनी मेथड्स हो गई, दो, कौन कौन सी, एक कौन सी कंप्लीटेड सर्विस मेथड, दूसरी कौन सी है प्रोपोर्शनेट कंप्लीटेड मेथड। क्या ये बात समझ में आई, दोनों को समझो बेटा क्या है। मैं आपसे बोलूं बेटा सर्विसेज दो तरह से दी जाती हैं, एक जिसको बोलते हैं सिंगल एक्ट सर्विसेज, क्या बोलते हैं सिंगल एक्ट, मतलब एक बार एक्ट करो सर्विसेज कंप्लीट। दूसरा क्या होता है मल्टीपल एक्ट सर्विसेज होती हैं, क्या होती हैं मल्टीपल, जिसमें बार बार एक्ट करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं मल्टीपल एक्ट सर्विसेज। बात समझ में आई, मैंने सलमान खान को बुलाया शो ऑर्गेनाइज कराया, सलमान खान ने क्या किया शो किया, एक दिन आया डांस किया चला गया, मेरे को बताओ ये मल्टीपल एक्ट सर्विसेज है या सिंगल एक्ट सर्विस, वहीं खत्म चालू हुई वहीं खत्म हो गई, क्या बोलोगे इसको सिंगल एक्ट सर्विसेज, एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। मल्टीपल एक्ट सर्विसेज मतलब जिसमें बार बार सर्विसेज देना पड़ती है, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ रोज आना पड़ता है, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, मेरा सिंगल एक्ट सर्विसेज है कि मल्टीपल एक्ट सर्विस, मल्टीपल एक्ट सर्विसेज है। हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल के अंदर गए, हॉस्पिटल में वो OPC कटो किसको क्या पेड़ बोलते हो OPD, हाँ OPD कटवाई और कटवा के फिर आपने क्या किया फटाफट बोलो, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखा के घर आ गए, क्या बोलोगे इसको सिंगल एक्ट सर्विसेज। एक बार आप गए OPD कटवा के डॉक्टर साहब ने वहीं पकड़ लिया, बोले आज तेरे को 6-7 महीने ये रहना पड़ेगा, बहुत खतरनाक बीमारी होगी तेरे को, तो अब बताओ बेटा अब क्या होगा, मल्टीपल एक्ट सर्विसेज। तो डिपेंड करता है कि सर्विसेज कैसी दी जा रही, क्या ये बात समझ में, तो सिंगल एक्ट सर्विसेज भी होती हैं और मल्टीपल एक्ट सर्विसेज भी होती हैं। आप मेरे को बताओ जो सिंगल एक्ट सर्विसेज हैं उसकी इनकम को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर धीरे धीरे लिखना चाहिए कि सर्विस देने के बाद कंप्लीट होने के बाद रिकग्नाइज होना चाहिए, कंप्लीट होने के बाद, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लो क्रिकेटर है क्रिकेट खेल रहा है मैच चल रहा है वनडे 2020 मैच चल रहा है, उसने एक बॉलिंग की उसके बाद भाग गया, बोले रुक जाओ इनकम रिकग्नाइज करके आऊंगा, एक बॉल करके आ गया हूँ, फिर वापस आया फिर बॉलिंग की फिर वहाँ वो भाग गया वहाँ वो बैट्समैन भाग रहा है, बोले मेरे को भी तो इनकम लिखना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या ये बात समझ, जब तक सर्विसेज पूरी नहीं होंगी तब तक इनकम रिकग्नाइज नहीं होगी, इनकम कब रिकग्नाइज करेंगे
जब एक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद तो वहां सिंगल एक्ट सर्विसेज पर काम चल जाएगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कब बुक करेंगे? जब आपकी सर्विसेज एक लंबी प्रोसीजर्स में हो। क्या ये बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे फीस ली है 2400 रुपए। कितने रुपए? 2400। कितने रुपए की फीस ली? 2400। मान लो, चुपचाप बैठना, फालतू की बातें मत करना, 2400 रुपए की फीस ली है, समझ में आ रही? तुम चुपचाप बैठो, बाकी जीएसटी है। 2400 की क्या ली है? फीस। क्या हुआ? बाकी जीएसटी है, जीएसटी। 2400 की क्या ली? फीस। अब जरा समझना, 2400 की फीस ली, कुल मिला के 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 12। मैंने उसमें से 8 पढ़ा दिए, 31 मार्च आ गया है, क्या करूं बोलो? 12 चैप्टर थे, डिवाइड बाय 12 किया, एक चैप्टर की इनकम कितनी मान लूं? 200। आप मेरे को बताओ कितनी इनकम इस साल बुक कर लूंगा? 1600। बाकी इनकम को बुक करूंगा नेक्स्ट ईयर में। इसको क्या बोलेंगे फटाफट बोलो? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। क्लियर है कि नहीं? तो इनकम को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं जब मल्टीपल एक्ट सर्विसेज होती हैं। क्लियर है कि नहीं? इसलिए कितनी मेथड्स बनाई गई? 2। तो आप लिखें बेटा फटाफट, पहले कंप्लीट सर्विस मेथड। कंप्लीट सर्विस मेथड उसमें लिखें, अंडर दिस मेथड रिवेन्यू फ्रॉम completed services, revenue from completed services is recognized only if any services, लिख लिया आपने? मैंने क्या बोला पहले तो बोलो। Under this method, revenue from completed services is रिकॉग्नाइज ओनली, मतलब जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं होती तब तक इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आगे लिखें, इफ एनी सर्विसेस रिमेन इनकम्प्लीट ऑन बैलेंसी डेट देन सच सर्विसेस should be मैंने क्या बोला कि अगर आपकी इनकम कैसी है, सॉरी सर्विसेज कैसी है, इनकम्प्लीट है, कौन सी डेट पर? बैलेंसी डेट पर, देन सच सर्विसेज should be ignored फॉर रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो फिर ऐसी सर्विसेज को रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। जैसे मान लो 31 मार्च के दिन आप हॉस्पिटल गए, और मान लो हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पर डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन करने वाले हैं 31 मार्च को। क्लियर है? ऑपरेशन इतना बड़ा है कि वो 18 से 19 घंटे चलेगा। कितने घंटे चलेगा? 18 से 19 घंटे। आप शाम को 5 बजे आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, रात को 12 बजे 31 मार्च के दिन डॉक्टर ने क्या किया, आपको काट पीट के रखा हुआ है, और डॉक्टर को याद आया 31 मार्च खत्म हो गया, आधी सर्विसेज जो है वो दे चुका हूँ, आधी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में बुक करूँगा, बोले रुक जाओ आधी सर्विसेज की इनकम बुक करके फिर वापस आता हूँ, फिर इनकम बुक करूँगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत देर हो जाएगी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर साहब बाहर निकल के क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी बोल दिया इनकम रिकॉग्नाइजेशन के चक्कर में। बात समझ में आई? तो दिक्कत में आ सकते हो कि नहीं? तो फिर क्या करेंगे मेरे को बताओ? भले 31 मार्च से वो सर्विसेज चालू हो गई थी, लेकिन उस इनकम को इस साल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसको कब रिकॉग्नाइज करोगे? नेक्स्ट ईयर में। समझ में आ रहा? पूरी इनकम नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज होगी, करंट ईयर में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा ऑपरेशन 31 मार्च को हो गया था, आधा 1 तारीख को हुआ, तो आधी इनकम इधर की आधी वहां की। नहीं, सिंगल एक्ट सर्विसेज या तो यहां रिकॉर्ड होगी या वहां रिकॉर्ड होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो सिंगल एक्ट सर्विसेज में याद रखना, हम जब तक की सर्विसेज कंप्लीट नहीं होती, जिस डेट पर सर्विसेज कंप्लीट होगी उस डेट पर ही इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, कौन सी? प्रोपोर्शनेट सर्विसेज कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट सर्विसेज कंप्लीशन मेथड उसमें लिखें, अंडर दिस मेथड ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये थ्योरी लिख के आना पड़ेगी आंसर में, है ना? ये जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है आंसर, तो ही नंबर मिलेंगे।
ये इंस्टीट्यूट से ही मैंने उठाया है कि जो उनके सजेस्टेड आंसर आते थे उसमें से उठाया, उनको थोड़ा सा सरल किया है, बाकी कुछ भी नहीं। लिखो, अंडर दिस मेथड रिवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड सर्विसेज, रिवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड सर्विसेज, अंडर दिस मेथड रिवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड सर्विसेज एज वेल एज प्रोपोर्शनेट रिवेन्यू, एज वेल एज प्रोपोर्शनेट रिवेन्यू फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्विसेज, फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्विसेज ऑन बैलेंसी डेट, ऑन बैलेंसी डेट, फिर से बोलूं, अंडर दिस मेथड रिवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड सर्विसेज एज वेल एज प्रोपोर्शनेट रिवेन्यू फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्विसेज, प्रोपोर्शनेट रिवेन्यू फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्विसेज ऑन बैलेंसी डेट इज रिकग्नाइज्ड, इज रिकग्नाइज्ड, मतलब इस केस में क्या होगा, आपको बात समझ में आ गई, करेंट ईयर में जितनी सर्विसेज कंप्लीट हो गई उनकी इनकम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में कुछ इनकम्प्लीट सर्विसेज हैं तो उनकी इनकम भी कौन से बेसिस पर लिख ली जाएगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लिख ली जाएगी, क्या ये बात समझ में आई, तो दोनों तरह की इनकम लिखेंगे। नोट लगाओ बेटा अब जरा, नोट, एनी मेथड, एक नोट लगा के लिखें, एनी मेथड कैन बी सिलेक्टेड, एनी मेथड कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ अबव मेथड्स, आउट ऑफ अबव मेथड बट इट कैन नॉट, बट इट कैन नॉट बी चेंज, बट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स सिलेक्शन, आफ्टर इट्स सिलेक्शन, एक बार आपने कोई मेथड फॉलो कर ली, सिलेक्ट कर ली, तो आपके ऊपर है चूज कर लो, लेकिन आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला ये लग जाएगा, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, इसलिए मेथड एक बार जो चूज कर ली वही रहेगी। आगे लिखें, इन केस, आगे लिखें, इन केस इट इज चेंज, इन केस इट इज चेंज आफ्टर द सिलेक्शन, इन केस इट इज चेंज आफ्टर इट्स सिलेक्शन देन इट विल बी कंसीडर, देन इट विल बी कंसीडर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप चेंज करते हो तो इस केस में क्या माना जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। क्लियर, बोलो कोई डाउट। ये तो मैंने मेथड्स की बात की कि भाई ये दो मेथड्स हैं, अब बात उठती है सर टाइम बताओ, टाइम कि किस टाइम पर रिकग्नाइज करेंगे, ये तो आपने समझा दिया हमको कि ऐसा ऐसा बुक करना है, तो आप लिखो बेटा टाइम ऑफ रिकग्नाइजेशन, टाइम ऑफ रिकग्नाइजेशन, टाइम क्या रहेगा इनकम को रिकग्नाइज करने का, तो पहले लिखो फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल करना बस, फर्स्ट इज व्हेन सर्विसेज इज कंप्लीटेड, सर्विसेज क्या हो गई है कंप्लीट, और प्रोपोर्शनेट कंप्लीटेड, या तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीट हो गई है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, सर्विसेज क्या हो गई है कंप्लीट, या फिर प्रोपोर्शनेट कंप्लीट कर लिया आपने, समझ में आ रहा कि नहीं, दूसरी कंडीशन, सेकंड, नो अनसर्टेनिटी, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं है आपके पास कि पैसा नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसा बोल रहे हो कि मिल ही जाएगा, मतलब वही नो अनसर्टेनिटी वाली बात, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो क्या करेंगे हम, इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं, अब कुछ वापस से स्पेशल केसेस लिखेंगे, वापस से लिखें स्पेशल केसेस, वही एक चार्ट वापस से बना लें स्पेशल केसेस का, एक साइड लिख लें स्पेशल केस और दूसरे साइड क्या लिखोगे, हाँ
हाँ एडिशनल कंडीशन लिखें, स्पेशल केस में सबसे पहले लिखें फाइनेंशियल कमीशन और ब्रोकरेज, फाइनेंशियल कमीशन ऑन ब्रोकरेज, कुछ एग्जांपल हो जाए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं, फाइनेंशियल कमीशन एंड ब्रोकरेज, फाइनेंशियल कमीशन एंड ब्रोकरेज। आपको पता है फाइनेंशियल कमीशन एंड ब्रोकरेज मतलब जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, एग्जांपल लिख लो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रैकेट में लिख लो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स, शेयर्स पर ब्रोकरेज वगैरह। बताओ बेटा इनका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये सिंगल एक्ट सर्विसेज हैं कि मल्टीपल एक्ट सर्विसेज हैं, जल्दी से बोलो। हाँ मल्टीपल एक्ट करना पड़ते हैं, सिंगल एक्ट करना पड़ता है, कब करना चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज करूं, ब्रोकरेज कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आप मैंने मैंने आपसे बोला कि मेरे को एक मकान खरीदना है, आप ब्रोकर हो, सोच लो आप ब्रोकर हो, मैंने बोला एक मकान खरीदना है, कब रिकॉग्नाइज करोगे, चलो ब्रोकरेज आपकी, बोलो जब मेरे को क्या करोगे, फटाफट बोलो, खरीदवा दोगे उसके पहले ही। मैं आपके साथ मकान देखने गया, मेरे को पसंद आ गया, मैंने हाँ लेना है, उसने भी बोल दिया हाँ बेचना है, सब कुछ हो गया, सौदा वौदा तय हो गया और बस सब कुछ हो चुका है, इनकम बुक कर ले, ब्रोकरेज इनकम बुक कर लेगा, कब बुक करेगा, जब रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद, मतलब जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तब तक इसकी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, तो ब्रोकर या अंडरराइटर तब इनकम को रिकॉग्नाइज करता है जब वो अपनी पूरी सर्विसेज क्या कर चुका होता है, कंप्लीट। ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर ने बोला घर दिखा दिया, आधी इनकम बुक कर ली, बात समझ में आई, फिर सामने वाले की मीटिंग करवा दी, बोले 25% काम और हो गया, इनकम और बुक कर लो, प्रपोज नेट बेसिस लगा दो ना चालू कर दो, ऐसा यहाँ संभव नहीं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी होती है बेटा, उनकी इनकम कंप्लीशन मेथड से ही होती है, कौन सी मेथड से होती है, कंप्लीशन मेथड से। तो लिखें जरा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल्स कंसल्टेंट शुड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू ओनली व्हेन Only when their services, financial consultant should recognize revenue only when their services get completed. जब तक उनकी services पूरी नहीं हो जाती तब तक income को recognize नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, तो एक बात तुम नोट डाउन कर सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी मेथड लगाना है, कंप्लीशन मेथड, आंसर आपका कंप्लीशन मेथड होना चाहिए, क्लियर है, कि यहां प्रोपोजनल मेथड नहीं आएगी। नेक्स्ट लिखें बेटा एडमिशन फीस, नेक्स्ट वन इज एडमिशन फीस, एडमिशन फीस में लिखो जैसे मूवी टिकट, एडमिशन फीस के एग्जाम्पल लिखो कुछ, जैसे मूवी टिकट, आप मूवी टिकट खरीदते हो काय के लिए खरीदते हो, बेचने के लिए, एडमिशन के लिए, भाई मूवी देखने मिल जाए, क्या ये बात समझ में आई, तो मूवी टिकट हो गया आपका। और बताओ एग्जांपल जैसे, और 100 टिकट खरीदते हो, जाए अभी क्रिकेट मैच हुआ तो क्रिकेट मैच के टिकट खरीदोगे काय के लिए, अंदर जाने के लिए खरीदोगे कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, इनका रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, बोलो कौन सा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कि कंप्लीशन मेथड पर, कंप्लीशन मेथड पर। तो लिख लो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज आफ्टर द इवेंट गेट कंप्लीटेड, मतलब जब आप टिकट खरीदते हो तो इनकम टिकट खरीदते समय बुक नहीं होती, शो पूरा होने के बाद अकाउंटेंट एंट्री डालता है, समझ में आ रहा कि नहीं, भले टिकट उसने बेच दिया, क्लियर। तो लिख लो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज आफ्टर द इवेंट गेट कंप्लीटेड, क्लियर। नेक्स्ट लिखो बेटा ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस सिंगल एक्ट सर्विसेज है कि मल्टीपल एक्ट सर्विसेज है, तो यहां कैसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, बोलो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। लिखें इट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड Over the instruction period, जो भी instruction period दिया है, जैसे मैंने बोला कि मैं 3 महीने में बैच खत्म कर दूंगा,
तो 3 महीने, क्या ये बात समझ में आई? ओवर द इंस्ट्रक्शन पीरियड, तो ओवर द इंस्ट्रक्शन पीरियड। नेक्स्ट लिखें बेटा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। बताओ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपनी इनकम कब बुक करेंगे? जब एड सबके सामने आ जाए उसके बाद। तो लिखें व्हेन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, व्हेन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले डिस्प्लेट का मतलब समझ में आया? डिस्प्ले मतलब शो हो गया है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के सामने। तो हम क्या करेंगे फटाफट बोलो, इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट लिखे बेटा इंस्टॉलेशन फीस, इंस्टॉलेशन फीस। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, एजेंसियां ऐसे होते हैं जिनका काम इंस्टॉलेशन ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ आप कोई चीज़ खरीदो आपके घर में आके वो इंस्टॉल कर देंगे। क्लियर? उनको बेचते नहीं है, वो केवल क्या करते हैं इंस्टॉलेशन का काम करते हैं बस। तो उस केस में भले आपने उनसे खरीदा नहीं, उनको खाली क्या पे कर रहा हो? इंस्टॉलेशन फीस। बताओ बेटा इसकी इनकम कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए? इंस्टॉलेशन होने के पहले कि इंस्टॉलेशन के बाद? और कस्टमर क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। तो लिख लो व्हेन इंस्टॉलेशन गेट कंप्लीटेड एंड कस्टमर सेटिस्फाई, व्हेन इंस्टॉलेशन एट कंप्लीटेड एंड कस्टमर इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट लिखे बेटा कंसेप्ट नंबर 7, सॉरी कंसेप्ट नंबर 3। एक कौन सा हो गया था सब लोग बताओ? पहला क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स। दूसरा क्या हो गया? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। थर्ड लिखे बेटा रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9 लिखें, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9 इंटरेस्ट शुड बी रिकग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। कौन सा बेसिस फटाफट बोलो? ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ। ड्यू डेट बेसिस पर नहीं, ड्यू बेसिस पर नहीं, कौन से बेसिस पर? टाइम बेसिस पर। फिर से बोलूं, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9 इंटरेस्ट शुड बी रिकग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस, टाइम के बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को लोन दिया और बोला है इंटरेस्ट 12 महीने में एक बार ड्यू करूंगा, 12 महीने में एक बार लूंगा। बेटा यहां 4 महीने बाद ही ईयर एंड आ गया, आप मेरे को बताओ इनकम रिकग्नाइज करूंगा कि नहीं करूंगा? भले अभी ड्यू नहीं हुआ, ड्यू यहां होगा इंटरेस्ट, इनकम रिकग्नाइज करूं कि नहीं करूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो बुक करेंगे, यहां ड्यू यू होने से कोई नहीं होता। जितना टाइम निकल गया, जितना टाइम निकल गया भले इंटरेस्ट ड्यू हुआ हो या नहीं हुआ, हम इनकम को रिकग्नाइज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि टाइम पीरियड निकल गया, मतलब इंटरेस्ट हमेशा कौन से बेसिस पर रिकग्नाइज्ड होता है? टाइम बेसिस पर। कौन सा बेसिस बेटा? टाइम। तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑलवेज रिकग्नाइज्ड इन टाइम बेसिस, हमेशा टाइम बेसिस पर रिकग्नाइज्ड होगा। किस बेसिस पर नहीं होगा फटाफट बोलो? हाँ, ड्यू बेसिस पर नहीं होगा। नेक्स्ट लिखें बेटा फोर्थ, फोर्थ। अच्छा सेकेंड कंडीशन वही रहेगी आपकी, सेकेंड कौन सी? और साथ में यहां एक चीज और, नो अनसर्टेनिटी, वो भी लिख लो, सेकेंड कंडीशन और लिख लो, नो अनसर्टेनिटी। एक तो टाइम बेसिस पर बुक करेंगे, दूसरा नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसीडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग, रिगार्डिंग क्या जल्दी बोलो? कंसीडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। यहाँ किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरा पैसा कितना मिलेगा उस अमाउंट को लेके भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट लिखो बेटा रिवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड इनकम, रिवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड इनकम। और ये सबको पता है, बताओ
ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ सकता हूं, बोलो कब? जल्दी बोलो कब? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया तब, कि शेयर होल्डर की मीटिंग में डिक्लेयर हुआ तब, कि जब पैसा रिसीव हो गया तब? जल्दी बोलो, डिक्लेयर्ड। कब डिक्लेयर्ड होता है? शेयर होल्डर की मीटिंग में। तो लिख लो, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9 डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन डिक्लेरेशन बेसिस because there will be no doubt in relation to cancellation of dividend. There will be no doubt in relation to cancellation of dividend after cancellation of dividend. लिख लिया, बोलो। After its declaration in AGM, एक बार AGM में declare हो गया तो उसके बाद dividend को cancel नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है कि नहीं? मतलब सर्टेनिटी होती है कि पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? इसलिए इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कोई डाउट? नेक्स्ट लिखें बेटा, कंसेप्ट्स 5, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी इनकम। लास्ट बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी इनकम। सब लोग बताओ रॉयल्टी मतलब क्या? रॉयल्टी मतलब रेंट। रॉयल्टी क्या चीज होती? रेंट। अच्छी भाषा में उसको रॉयल्टी बोल देते हैं, ऐसा है क्या? बोलो हाँ, नहीं है बात समझ में? बेटा रॉयल्टी मतलब यूनिक चीजें, जो यूनिक है उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? रॉयल्टी। बाकी जो लोकल होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? रेंट। जैसे मैं आपसे बोलूं कल से तुम्हारी क्लास ताजमहल पे लगेगी, बताओ ताजमहल वालों को मैं रेंट पे करूंगा कि रॉयल्टी देना पड़ेगी? रॉयल्टी देना पड़ेगी। जो यूनिक चीजें होती हैं उनके लिए पेमेंट करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। उस जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्या ये बात समझ में आई? तो हाँ रॉयल्टी वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रॉयल्टी। होता रेंट ही है लेकिन वर्ड कौन सा यूज करते हैं? रॉयल्टी। समझ में आ रहा नहीं? तो ऐसी कई चीजें होती हैं यूनिक। सबसे यूनिक चीज बताओ, सबसे यूनिक चीज क्या बोला रे? क्या ऐश्वर्या राय? क्या बोला? मेरे को बता दो, सुनाई तो दे। कुछ तो बोला था तूने, कोई नूर का हीरा। ओहो, वो रेंट पे मिलता है क्या? हद होगी। चलो मैं रेंट पे बात कर रहा हूँ, रेंट पे जिसको दे सकते हैं उनकी बात चल रही है। हम बोलो तो सबसे यूनिक चीज है बेटा आपका दिमाग। आपका दिमाग, आपका नॉलेज केवल आपके पास रह सकता है, किसी और के पास नहीं है। आप अपने दिमाग को किराए पे दे सकते हो। हाँ कैसे? आप एक बुक लिखो और बुक को किस पर चला दो? किराए पर, पब्लिकेशन वाले को दे दो। क्या ये बात समझ में? तो जब आप अपना दिमाग बुक में यूज करके बुक को किसी ऑथर को किराए पे देते हो तो पब्लिशर आपको क्या करता है? रॉयल्टी पे करता है। क्या पे करता है? रॉयल्टी। आप ये नहीं बोलते हो मैंने अपना दिमाग किराए पे दे रखा है इसलिए उसका रेंट ले रहा हूँ, नहीं। क्या बोलोगे? रॉयल्टी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रॉयल्टी। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे यूनिक चीज जो रॉयल्टी में चलती है वो क्या है बेटा? पब्लिकेशन को जब हम क्या करते हैं, कोई बुक वुक लिख करके दे देते हैं तो वो हमको देता है, क्या देता है? रॉयल्टी देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, रॉयल्टी। क्योंकि वो यूनिक है, आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं। वो नॉलेज केवल आपका है। हाँ, दूसरे लोगों को बांट रहे हो नॉलेज तो उसके लिए क्या होगा? फटाफट बोलो, रॉयल्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? रॉयल्टी। और ये बुक होगी बेटा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। कैसा बुक होती है? एग्रीमेंट। समझ में? तो लिखो फटाफट, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 9, रॉयल्टी इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट
ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, बिटवीन द पार्टी। बिटवीन द पार्टी लिख लिया। बट इट्स शुड बी अकाउंटेड, बट इट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन अक्रूअल बेसिस, बट इट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर अक्रूअल बेसिस। लेकिन इसकी इनकम आपको अक्रूअल बेसिस पर रिकग्नाइज करना पड़ेगी। कौन से बेसिस पर? अक्रूअल बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो मेरा और पब्लिकेशन का एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ही बुक प्रिंट होगी मेरी रॉयल्टी ड्यू हो जाएगी, भले बिके या ना बिके, तो जितनी बुक प्रिंट होगी मैं इनकम बुक कर लूंगा। क्या ये बात समझनी? ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है कि जितनी बुक सेल होंगी उस पर रॉयल्टी, तो जितनी सेल होंगी उस पर, प्रिंट करने पर फिर नहीं होगा। तो मैंने आपसे बोला जैसा एग्रीमेंट में लिखा हो, लेकिन कौन से बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर, जरूरी नहीं कि रिसीव बेसिस पर। मैं ऐसी इनकम बुक नहीं करूंगा कि जब वो पैसा देगा तब इनकम लिख रहा हूं, नहीं, अक्रूअल बेसिस पर। क्या ये बात समझ में? तो अक्रूअल बेसिस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। क्लियर? कितनी हो गई? पांचों इनकम हो गई कि नहीं? बोलो। अब लिखो कुछ एडिशनल कंसेप्ट अंडर AS 9। एडिशनल कंसेप्ट अंडर AS 9, अंडर AS 9। बस AS 9 खत्म, अब क्या है? सब तो हो गया। एडिशनल कंसेप्ट और लिखवाना है, एडिशनल कंसेप्ट अंडर AS 9। और ये हम पढ़ेंगे कल। जैसे जैसे आपने सुना होगा DEPB क्रेडिट की इनकम को कैसे बुक करेंगे, कौन है ये हम कल बात करेंगे। पढ़ के आना, समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको, नोट्स मिले ना, तो नोट्स में कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन है और उनके आंसर भी हैं। अच्छी बात तो है ना, उनके आंसर्स भी हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है। पढ़ के आए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।
शालू